कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। ओहो आप लोग आ गए क्या, कभी भी बता के नहीं आते। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के नए चैप्टर में कदम रखने वाले हैं। नाम सुना होगा, अम्ल क्षार और लवण। अब आपके मन में क्वेश्चंस आने जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग की इंसानों में प्रवृत्ति होती है कि हम लोग हमेशा चीजों को जानना चाहते हैं। अगर आप लोग के मन में जानने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब कुछ गड़बड़ है, और इच्छा हो रही है मतलब सब सही है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है हमारा टॉपिक अम्ल क्षार और लवण। लवण की स्पेलिंग ही गलत हो गई, क्या बात है, आप लोग का जादू चल रहा है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में बात करना क्या है, या हम लोग किस चीज की बात करने वाले हैं। देखिए जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं उन सभी को हम उनके गुणों के आधार पर हम तीन तरीकों से बांटते हैं, या बोलिए रासायनिक गुणों के आधार पर हम तीन प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से है वो, अम्ल क्षार और लवण। अब देखिए उनके बांटने के पहले हमको उनके गुण के बारे में जानना होगा। हर एक चीज का अपने कुछ गुण होता है जिस कारण से उसको हम उस चीज में रखते हैं। अगला चैप्टर हमारा धातु अधातु है, लेकिन अब धातु अधातु को थोड़ा पहचान लेते हैं कि जो मजबूत है वो धातु है, जो मजबूत नहीं वो अधातु है। केमिस्ट्री का ये अपना थर्ड चैप्टर है, आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। बट यहां पर हमको ये चीज पढ़ना है, ये चीज हमको क्लियर करना है कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं, मतलब कोई भी तत्व को कब हम अम्ल कहेंगे, कब हम क्षार कहेंगे और कब हम लवण बोलेंगे। तो वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स, मैं हर्षित आप लोग के क्लास सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की, क्षार और लवण को साइड में रख देते हैं, हम बात करेंगे अम्ल की, या जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड। नाम सुना ही होगा, एकदम कॉमन है, हर जगह बात होती रहती है अम्ल। और बात हो भी क्यों ना, क्योंकि सही बताए सही मायने में अगर बात करें तो हम लोग के पेट के अंदर ही एसिड रहता है या अम्ल रहता है। हम लोग का खाना पचने के लिए एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। उसके अलावा खट्टी चीजें, जितनी भी खट्टी चीजें हैं हमारे सामने सब की सभी क्या है, अम्ल है। मैक्सिमम नींबू है, सिरका है, संतरा है, चींटी काटती है वो भी एक तरह का अम्ल है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा अम्ल। आज ही हमारी कोशिश होगी कि अम्ल के बारे में पूरी बात करें, साथ में अम्ल के प्रकार जान लें, उसके बाद अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण सबके सभी आज हम लोग का कर लें। तो पॉइंट वाइज हम हर चीज को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होता है, तो देखिए सीधी सी बात, जो पदार्थ स्वाद में खट्टी होते हैं, मतलब शुरुआत की में हम लोग अगर पूछें कि पदार्थ कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं, तो हमने उसको डिवाइड करने के लिए हमने शुरुआत में बोला कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल नाम मिला कहां से, अब देखिए कुछ हिस्ट्री भी हमको जानना चाहिए। तो अम्ल जो है, जो हमारा अम्ल है वो एक तरह का लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है अम्ल जो निकला, वो कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है जो कि, और लैटिन का एक कौन सा शब्द है जिससे ये बना है,
तो ये जो बना है लैटिन के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब इसका नामकरण ही कहां से हुआ है, खट्टे से ही हुआ है। और आपने भी ये चीज भी आप जान लिए कि जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए कि हर अम्ल को चख पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम बात करें तेजाब की, अभी हम तेजाब की ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हम एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए तेजाब या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब उसको तेजाब का, देखिए तेजाब जो है कॉमन नहीं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं लेने तो उसको तेजाब बोलते हैं, बट उसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कभी आपने चखा है, चख के देखिए। क्यों नहीं चखते हैं, क्योंकि आप सुने होंगे गलती से अगर वो हल्का सा भी हाथ में पड़ गया तो हमारा हाथ में क्या होने लगता है, हल्का जलन टाइप से होने लगता है। इसीलिए कभी भी हम लोग अम्ल, हर अम्ल को चख नहीं सकते हैं, हर अम्ल को हम लोग चख नहीं सकते हैं। तो अब हम कैसे चखेंगे, तो अब हम लोग के पास आएंगे कुछ स्पेशल प्रकार के सूचक। अभी हमारा टॉपिक आगे हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे, इसको स्टार बना लीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे बट अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक सूचक होता है लिटमस, कौन सा, लिटमस, नाम नोट कर लीजिए, लिटमस। लिटमस, लिटमस दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल, ठीक है। अभी बस सूचक पढ़ते चलिए, अभी आगे हम लोग का टॉपिक बहुत कायदे से पढ़ जाएंगे सूचक के बारे में। तो लिटमस का काम क्या होता है, अब हम हर चीज मतलब हर रासायनिक तत्व को मुंह में डाल के तो चख नहीं सकते, तो हमने किसका उपयोग किया, सूचक का यूज किया। कौन से सूचक का, नीले लिटमस का। और क्या पाया, जब नीले लिटमस को हम अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। हमने क्या बात की कि हम पदार्थ को हमेशा चख तो नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है काफी तेज हमारे जीभ को जला सकता है, हमारे जीभ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने किसका उपयोग किया, सूचक का यूज किया। कौन सा सूचक, यहां पे हमने लिटमस का यूज किया। और भी सूचक है, ध्यान दीजिए अभी और भी सूचक पढ़ेंगे, बट सूचक का भी एक अलग सा टॉपिक आएगा तो हम यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने कौन सा लिटमस लिया, नीला लिटमस लिया। जब नीले लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग किसमें हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा, हमको इससे ये पता लग जाएगा कि हमारा जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है। काफी तरह के अम्ल होते हैं, सबके बारे में हम नहीं लिखेंगे, बट कुछ का एग्जांपल अगर हम दें आपको, कुछ का एग्जांपल अगर हम आपको बताना चाहें तो कुछ का एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहां पर कुछ इनके उदाहरण दे देते हैं, जैसे जो कि कॉमनली हो या हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार आएंगे, वो है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बाद की हम बात करें तो नाइट्रिक अम्ल आदि, और भी होते हैं बट हमने ये तीन की बात करके इसको यहां पर अपना बेसिक चीज खत्म कर दिया, नोट कर लिए। अब देखिए यहां पे अम्ल की एक और खास परिभाषा आएगी,
जो कि आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार आएगी। ध्यान दीजिए, कई बार आपसे क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की को परिभाषित कीजिए। किस सिद्धांत के अनुसार? आर एक मिनट, आर्हीनियस सिद्धांत। तो क्या था इसके सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार जब हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो वहां पर H प्लस आयन वियोजित होकर बनते हैं। मतलब हमारा क्या है कहने का कि आर्हीनियस जी ने यह सिद्धांत दिया कि जब भी हम अम्ल को जलीय विलयन बनाएंगे, मतलब जल में मिलाएंगे, जलीय विलयन का मतलब यही होता है कि जल में मिलाएंगे। विलयन क्या होता है? क्लास 9 के आप लोग पढ़े हैं, नहीं अगर आपको समझ में आया तो हम लोग के आप लोग इसी चैनल में विलयन नाम से एक अलग से टॉपिक है, उसको आप लोग क्लास 9 के प्लेलिस्ट में क्लास 9 के केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो वह एच प्लस आयन में वियोजित हो एच प्लस आयन में वियोजित हो जाता है। वहां पे कौन से आयन आ जाएंगे? एच प्लस आयन उपस्थित हो जाएंगे। एच प्लस आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन इस जलीय विलयन में उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है? मतलब हमने आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार दो चीजें बताई कि जब भी हम पानी में अम्ल को मिलाएंगे तो वहां पे क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा। H प्लस मतलब दो तरह के आयन होते हैं, धनायन ऋण आयन, बहुत कायदे से आप लोग जानते हैं। एच प्लस धनायन के अतिरिक्त वहां पर कोई भी अन्य धनायन उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है बात? इस सिद्धांत को हमने किस नाम से जाना? इसी सिद्धांत को हम आर्हीनियस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान दीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे चले। मतलब अभी तक हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी बात कर ली, जो हमारा अम्ल है इसकी पूरी इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, अम्ल को हम दो प्रकार से बांटते हैं। अम्ल को कितने प्रकार से बांटते हैं?
दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है प्रबल अंग और दूसरा होता है दुर्बल अंग। प्रबल लिख लेंगे फिर दुर्बल लिखेंगे, ठीक है। प्रबल अंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दीजिए, वह एसिड जिनसे हमको हमारी त्वचा को हमारी वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अंग बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं प्रबल अंग, वे अंग जो जल में पूर्णतः वे अंग जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। आप लोग को लग रहा होगा जादू हुआ, वीडियो खत्म हुई लेकिन सर ने इसको लिखा नहीं, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हो गया था गलती से बाय डिफॉल्ट, लेकिन तब भी हम आपको एक बार फिर से इसको पूरा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए यहां पे हम अम्ल दो प्रकार के हैं, अम्ल का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार में किया, दो प्रकार में किया। कौन कौन सा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अम्ल तो दोनों है, एक प्रबल को एक दुर्बल को। तो ध्यान दीजिए, अम्ल को जब हम पानी में मिलाएंगे तो उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होता है कि जब भी हम अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो अम्ल तुरंत वियोजित होना चाहेगा, वियोजित मतलब टूटना चाहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक अम्ल है HCl, तो ये क्या निकालेगा अपने अंदर से, H प्लस और Cl माइनस आयन। हाँ एक चीज जरूर, ये हमारा कौन सा हो गया, प्रबल हो गया। दुर्बल का भी एक एग्जाम्पल ले लें, HCN, इसको भी बेटा पानी मिलाएंगे क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट जाएगा। अब एक चीज समझने वाली जो यहां पे ये है, या आप कॉमन पा रहे होंगे कि जो भी अम्ल होंगे उसमें से एक चीज हर एक में निकलेगा वो क्या है, H प्लस आयन। तो हमने पीछे जब इंट्रोडक्शन लिखा है तो एक चीज लिखना भूलवा, एक चीज हमसे गलती हो गई, हम जो भूल चुके हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद से नोट कर लीजिएगा कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें H प्लस आयन जल में वियोजन होने पर H प्लस आयन निकलता है। ये मैं भूल गया उसको, कहीं आप लोग अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा कि अम्ल वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने पर क्या होते हैं, जो जल में वियोजित होने पर H प्लस आयन देते हैं। क्लियर है बात, इस चीज को मत भूलिएगा बिल्कुल से भी। अब देखिए हमारी बात हो रही है यहां प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। देखिए प्रबल अम्ल वे होते हैं कि जिनको जब भी हम पानी में घोलें तो उनके जितने भी कण होंगे या जितने भी परमाणु होंगे, सॉरी जितने भी यौगिक होंगे या जितने भी कण होंगे, कण कहते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब दिमाग फिर उलझ जाएगा, जितने भी कण होते हैं टोटल वो सब के सभी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे HCl के हमने 100 HCl के कण लिए, तो जैसे ही हम उसको पानी में घोलेंगे तुरंत बिना टाइम लिए तुरंत ये क्या होंगे, 100 के 100 टूट जाएंगे, किसमें, 100 H प्लस में और 100 Cl माइनस में, तुरंत बिना टाइम लिए, बिना सोचे बिना समझे। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। साथ में एक बात आपको और ध्यान देनी है कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो हमें खनिज से प्राप्त होते हैं, खनिज मतलब जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। हमने क्या लिखा है, इन अम्लों को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये खनिज से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात, तो प्रबल अम्ल को हम एक और नाम से जानते हैं खनिज अम्ल। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, HCl, H2SO4, HNO3 आदि, और भी हो सकते हैं, हमने बस इतना लिखा है जितना हमारे काम का है। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे प्रकार के अम्ल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, वे अम्ल
जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। इसका क्या था, इसके अगर 100 कण थे 100 के 100 क्या हो गए, टूट गए। लेकिन अगर इसके 100 कण हैं तो 100 के 100 क्या टूटेंगे ना, 60, 70, 50 मतलब पूरे तो टूटने से रहे, थोड़े से टूटेंगे, सब नहीं टूटेंगे भाई। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या हो गया, दुर्बल। यही एक पहचानने का तरीका है प्रबल और दुर्बल में। बाकी अगर आप और लिखना चाहिए तो एक पॉइंट हम और लिखवा सकते हैं, लिखवाते हैं। अभी पहले इतना समझ लीजिए कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको, उनके जितने कण होते हैं जल में घुलने पर पूरे पूरे टूट जाते हैं, लेकिन दुर्बल में ऐसा नहीं होता है, जितने होते हैं वो अधिकांश नहीं टूटते, कुछ टूटते हैं। इनका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, सामान्य तथा कार्बनिक अम्ल। सामान्य तथा कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये जीव तथा जंतुओं में मिलते हैं, तो इसीलिए इनको एक और नाम से जानते हैं, सामान्य और कार्बनिक अम्ल। ये अम्ल जो होते हैं हम लोग के शरीर में भी उपस्थित होते हैं, साथ में सिरका, नींबू, संतरा, इन सब में भी होते हैं। क्लियर है बात? इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा कि नाम हमको बता रहा है प्रबल और दुर्बल, तो नाम के ही अकॉर्डिंग उसी प्रकार के होते भी हैं। अगर प्रबल है तो वो हमारी त्वचा, हमारी वस्तु जिस पे भी गिरेगा उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, जैसा नाम वैसा काम। और दुर्बल क्या होगा, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब उस लेवल तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए प्रबल और दुर्बल की ये खासियत हमने आपको क्या कर दी है, बता दी है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा अम्ल का भौतिक गुण। क्या गुण? अम्ल के भौतिक गुण। तो अपना अगला हेडिंग हम डालते हैं, अम्लों के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्लियर हुआ? अब अम्लों के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? सबसे पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टा। खट्टा कुछ खाए हैं आप लोग? कुछ लोग के तो जीभ में पानी आ जाता है वो सुनते ही मान। तो जो भी खट्टी चीजें हैं उनमें क्या है, अम्ल है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगला क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं, लाल रंग में बना देते हैं। ये चीज पढ़ चुके हैं इसमें, तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। अगला है अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक क्या होता है, ये जब भी किसी वस्तु पे गिरेगी, जैसे त्वचा है, कागज है, लकड़ी है, उसको क्या कर देगी, नष्ट करने लगेगी। तो लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, संक्षारक मतलब
ये ऐसे रासायनिक पदार्थ वस्तुओं से क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देती है। क्लियर है बात? तो इतनी जितनी चीज हमने बात की है, इतनी ही बस हमारे पास क्या होती है, अम्ल के भौतिक गुण होते हैं। मेन बात तो किसमें आएगी? मेन बात तो हमारे अभी आएंगे अम्ल के रासायनिक गुण में। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अम्ल के रासायनिक गुण। तो नोट करेंगे, ये नोट हो ही गया होगा। अम्ल के कंडक्ट मिलेगा, अच्छा लिखते हैं।